नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमरिल टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एमरिल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एमरिल टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एमरिल टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में एमरिल टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। एमरिल टैबलेट का उपयोग टाइप 2 डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में करने के लिए किया जाता है। एमरिल टैबलेट शरीर के पेनक्रियाज में इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ावा देती है और ज्यादा ब्लड शुगर लेवल को कम करती है। शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेवल ज्यादा रहने की वजह से किडनी डैमेज हो सकती है, आँखों की देखने की दृष्टि कम हो सकती है और शरीर की नसें डैमेज हो सकती है। इसलिए शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 140 से कम होता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 140 से लेकर 200 के बीच में है, तो वह व्यक्ति परी डायबिटिक स्टेज पर है। परी डायबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को बिना दवाओं की मदद से नियंत्रण में किया जा सकता है। परी डायबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को नियंत्रण में करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल व खान पान में बदलाव करके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 200 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या है। एमरिल टैबलेट 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg व 4 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि एमरिल टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एमरिल टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में एमरिल टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सीने में जलन होना, उल्टी आने का मन होना, सिरदर्द होना, दस्त, चक्कर आना और ब्लड शुगर लेवल ज्यादा कम हो सकता है। ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम होने पर जी मिचलाना, दिल की धड़कन का तेज होना, आँखों से धुंधला दिखाई देना, पसीना आना, सिर चकराना, शरीर में कंपन, कंफ्यूजन होना और भूख का ज्यादा लगना आदि लक्षण शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम होने की वजह से हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल कम है। ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम होने पर शुगर लेवल को ठीक करने के लिए शहद, चीनी, ग्लूकोज टैबलेट या फलों के जूस आदि में से आप किसी एक का सेवन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एमरिल टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में एमरिल टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको एमरिल टैबलेट के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, चिंता व तनाव से बचना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो वजन को कम करना चाहिए। ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको एमरिल टैबलेट को लेने के बाद खाने को स्किप नहीं करना चाहिए और आपको एमरिल टैबलेट को लेने के बाद आपको अपने रेगुलर शेड्यूल पर खाने का सेवन करना चाहिए। अगर आपको एमरिल टैबलेट का सेवन करते समय भी बार बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, शरीर में थकान रहना, कंफ्यूजन होना, नींद अधिक आना और सांसों से बदबू आना आदि लक्षण होते हैं, तो ये लक्षण शरीर में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होने के हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपका डॉक्टर दवा की डोज को बढ़ा सकता है या दवा को बदल भी सकता है। लिवर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर और टाइप 1 डायबिटीज होने पर एमरिल टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं
होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना एमरिल टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एमरिल टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। एमरिल टैबलेट को खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद लेना रिकमेंडेड होता है। एमरिल टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और शरीर में शुगर लेवल के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है, इसलिए आपको एमरिल टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना एमरिल टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं एमरिल टैबलेट को ले सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए एमरिल टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर जरूरत पड़ने पर एमरिल टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एमरिल टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।